अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। एक स्पोर्ट्स टीवी यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को आईसीसी की जानिब से बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दिया गया है। जी, T20 क्रिकेट के फॉर्मेट में बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए नामजद थे मोहम्मद रिजवान, और फाइनली अब ऐलान हो चुका है आईसीसी की जानिब से। आईसीसी की जानिब से मोहम्मद रिजवान को अवार्ड दिया जाएगा प्लेयर ऑफ द ईयर T20 क्रिकेट 2021 का। और मोहम्मद रिजवान का 2021 का साल T20 क्रिकेट में शानदार रहा। T20 क्रिकेट में 2021 में मोहम्मद रिजवान ने 1326 रन बनाए 29 मैचेस खेलकर और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसके बदले अब उनको अवार्ड दिया जाएगा आईसीसी की जानिब से। और आईसीसी की जानिब से ये ऐलान हो चुका है आईसीसी के इस अवार्ड के लिए दो काफ़ी मजबूत उम्मीदवार थे। श्रीलंका के हसारंगे, जो 2021 में टॉप T20 रैंकिंग में बॉलर थे नंबर वन पे, और दूसरी जानब ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श, लेकिन इनके मुकाबले में मोहम्मद रिजवान इनसे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार थे। और तमाम तर लोग यही कह रहे थे कि मोहम्मद रिजवान को ये अवार्ड मिलेगा, और आखिरकार इसका ऐलान भी हो चुका है। तो अब उम्मीद करते हैं कि 2022 स्टार्ट हो चुका है, और 2022 में भी मोहम्मद रिजवान इस कारकर्दगी और इस फॉर्म को लेकर चले, और 2022 में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करें, और पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरह से तरक्की करती रहे। मोहम्मद रिजवान जब से पाकिस्तान की टीम में आए हैं, पाकिस्तान की टीम का मुकम्मल माहौल चेंज हो गया है, और हर खिलाड़ी अब पाकिस्तान के लिए लड़ने का जज्बा रखता है, और उम्मीद है कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।